Welcome to India Donates video series. Let's talk. I am the Panvita De, and today on the occasion of Women's Day, we have with us the renowned poet, author, and women's rights activist Kamla Bhasin, also known for her long-term contribution and association with Sangat, a feminist network. Thank you so much, fam, for joining us and taking the time out. It's uh, really a big pleasure and a privilege to wish Women's Day in person. So, Happy Women's Day! Yes. So Samantha Zindabad, Indian Constitution, Zindabad. It's since it's a small video series, I'll quickly jump over to the question. This year, the United Nations theme for Women's Day is Women in Leadership, uh, Achieving an Equal Future in a COVID-19 world. What I understand is leadership is not a one-step solution. It involves a series of steps of nurturing and harnessing an individual's capacities, providing a uh, infrastructure a safe environment pay parity etc you have uh, worked a lot in south asia and in galvanizing these communities what do you think should be uh, how should these communities and particularly women should prepare for uh, leadership roles when the resources are so limited so first of all Vita i want to tell you that this issue of women not being there in leadership is a global issue. It is not an issue only in South Asia. If you look at leadership at really top levels in the USA, there are only five to six percent women in the top positions in the corporate world. Never have even been more than 20% in the in the parliaments of say USA so this is not just about women who are poor and who are lacking resources. Right. it's a global issue. and it's a patriarchal issue. and i would add to this, it's not only that women are not in leadership positions. dalits are not in leadership position. blacks are not in leadership position according to their numbers. the working class people. सो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ द अनजस्ट स्ट्रक्चर्स वी लिव इन तो हिंदुस्तान में भी औरतें लीडरशिप में नहीं है तो अमेरिका में भी नहीं है और मुझे ये लगता है कि जो सबसे बड़ा रीजन है इसका कि हम क्यों नहीं है वो है पेट्रीआर की पितृसत्ता पुरुषों का रूल हम लड़कियों को कैसे पालते हैं घरों में क्या उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बनता है और लीडरशिप भी हम क्या सिर्फ पॉलिटिक्स में लीडरशिप की बात कर रहे हैं या इकोनॉमिक्स में कर रहे हैं लीडरशिप हमें हर जगह चाहिए परिवार के अंदर भी लीडरशिप चाहिए कौन डिसाइड करता है पैसा किसके हाथ में है बैंक अकाउंट किसके नाम पर है प्रॉपर्टी किसके नाम पर है जब ये सब ही नहीं है लड़कियों के पास तो लीडरशिप क्वालिटीज आएंगी कहां से तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो हमें करना है चाहे रिसोर्स लिमिटेड हो चाहे रिसोर्सेज ज्यादा हो कि हमारी सोच कितनी पेट्रियार्कल है आज भी और उस सोच को हमें पहले बदलना है और हर जगह बदलना है और मैं हमेशा जिस जगह से शुरू करना चाहती हूँ वो है मेरे अंदर की जगह मुझे लड़की होते हुए अपने अंदर बदलना है कि मैं भी बन सकती हूँ मैं भी कुछ कर सकती हूँ और मुझे देखना है समाज में कि कुछ औरतें कर रही हैं क्या अब हमारी बदकिस्मती ये है कि लीडरशिप रोल्स में हमें बहुत कम औरतें दिखती हैं Hey, किताबें आप बच्चों की भी देख लीजिए कितनी किताबें लड़कियों की लीडरशिप के बारे में है और कितनी लड़कों की लीडरशिप के बारे में है कितनी फिल्में इन लड़कियों के बारे में हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम लड़कियों और औरतों को लीडरशिप सिखाना चाहते हैं uh -huh. तो ज्यादा हमारे परिवारों को बदलना होगा हमारे समाज को बदलना होगा और उसके साथ साथ लड़कों और मर्दों को बदलना होगा ये जो जेंडर है ना दिस इज अ रिलेटिव थिंग अगर मैं नीचे हूं मैं अपनी मर्जी से नीचे नहीं हूं मुझे नीचे लाया गया है और कई तरीके से लाया गया है तो जब तक हम एन वगैरह में पहुंचते हैं तब तक तो बहुत लेट हो चुका होता है मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस मेरे अंदर डर भरा पड़ा है कि मैं नहीं कर सकती ना तो माँ करती है उसको दबाया जाता है जिस बहन की शादी हो गई उसको दबाया जाता है मेरे नाम मुझे मालूम है मुझे पराया धन समझते हैं तो मुझे लगता है कि इस पूरी सोच को हमें चैलेंज करना पड़ेगा और जो विमेंस मूवमेंट है वो इन तमाम चीज़ों पर काम कर रहे हैं हम लोग तो इस पूरी सोच को बदलना होगा इंस्टीट्यूशंस को बदलना होगा वो कैसे महिलाओं को अपने अंदर लेते हैं कैसे उनकी इज्जत करते हैं और पॉलिसीज को बदलना होगा कि इतने परसेंट रिजर्वेशन जरूरी है तो मुझे लगता है कि हर स्तर पे काम करना है मगर ज्यादा जो चीज है वो है मानसिकता पर ऑन आर थिंकिंग Our attitudes and our behavior towards girls and boys, men and women. That's what I think. Right. Speaking of patriarchy, uh, during this entire lockdown and the COVID 19 pandemic, yeah. women experienced unique challenges, and at some point, it aggravated the already pre existing uh, gender inequalities as well there are multiple reports in the media which shows that there was a steep rise in uh, domestic violence yeah. since the covid-19 lockdown, which again goes on to say if we, if we actually uh, dig deeper into these numbers, it reflects that maybe probably no matter how much we talk about development and growth, we have never moved progressively forward to ensure women's safety. so you see we have to see that pandemics or emergency situations bring out that. विच इज इन अस तो अगर परिवार में मर्दों के अंदर पेट्री आर की है एंड दे हैव नॉट रिस्पेक्टेड वेमेन इन द पास्ट दे विल सडनली नॉट स्टार्ट रिस्पेक्टिंग दै सो यस एज यू राइट ली से वॉट एवर इज इन आवर हार्ट केम आउट ड्यूरिंग द कोविड नाइनटीन पेट्रीआर की थी अगर दिल में तो पेट्रीआर की निकल के आई अगर माइनॉरिटीज के खिलाफ फीलिंग्स थी वो भी निकल कर आई लेकिन अगर दिल में प्यार था तो कोविड में प्यार भी निकल कर आया वो फैमिलीज जहां मर्दों को टाइम नहीं मिलता था अपने बच्चों के साथ उन्होंने वो टाइम दिया वो मर्द जो फील करते थे कि अरे मैं बीवी की मदद नहीं कर पाता हूं नौकरी की वजह से मदद क्या वो अगर खाता है तो उसको पकाना भी है उन्होंने पकाया भी है तो मैं सिर्फ जो नेगेटिव हुआ उसको नहीं देखती हूँ और दूसरी चीज़ हम देखें कि जहाँ जहाँ औरतें फ्रंट लाइन पर थीं कोविड से बचाने में तो वो फ्रंट लाइन पर जुटी रहीं चाहे वो गांवों में थीं चाहे वो नर्सिस थीं चाहे वो दुनिया की वो पांच छह प्राइम मिनिस्टर्स थीं जिनके बारे में भी right. पिछले दस महीने में ख़ूब लिखा गया चाहे वो हिंदुस्तान के, के केरला की हेल्थ मिनिस्टर थीं जिनके बारे में खूब तारीफ हुई सब कुछ हुआ तो देखिए जो भी था वो निकल कर आया जहाँ मोहब्बत थी तो लोगों ने सड़क पर निकल कर माइग्रेंट वर्कर्स को पानी दिया खाना दिया सो वॉट एवर इज इन अस कम्स आउट एंड द मैन हु वायलेंट दे व मोर फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज दे है नो मनी दे है No possibility of looking after their families. Men who spent all their evenings in either watching football somewhere or playing somewhere or going and having drinks somewhere and now they were stuck at home. They were beating. They were frustrated. That's why it is not only during COVID that we have to change, we have to change in normal times so that equality comes out and love and caring comes out of our hearts. during an emergency situation, be it covid or be it floods, right, i think it also ties back to the first answer about leadership, uh, where we were talking about uh, probably the mindset shift. No. and it it doesn't need to have a trickle down effect like it doesn't need to start right at the top and then right. trickle down it rather needs to be a movement which is supported and like it starts from all the corners I think right? I feel it has to start from below mm. जो हम घर में सीखते हैं वही तो हम बाहर लेके जाते हैं अगर तुम्हें घर में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं दिया गया था तो कितना टाइम लगेगा आज मेरे साथ इस तरह बात करने या दफ्तर में जाके बात करने में तो मुझे वही लगता है कि ये ट्रिकल डाउन तो हो ही नहीं सकता अब कमला हैरिस को देखकर कर ये वाली कमला नहीं बदल सकती इस कमला को तो घर वालों ने ही थोड़ी बहुत ताकत दी उसकी वजह से बन रही है या अब विमेंस मूवमेंट से ताकत मिल रही है या संगत से या जागोरी से ताकत मिल रही है तो इसको हमको हर लेवल पर करना होगा और जहाँ हम मौका देते हैं वहां आज देखो ना इंडिया में देख लीजिए कौन सा मूवमेंट है आज इंडिया में जिसमें औरतें आगे नहीं है पॉलिटिकल को छोड़ के राइट right. कौन सा मूवमेंट राइट टू इंफॉर्मेशन मूवमेंट में सबसे आगे है राइट टू फूड मूवमेंट में सबसे आगे हैं ह्यूमन राइट्स मूवमेंट में सबसे आगे हैं एनवायरमेंट मूवमेंट में औरतें सबसे आगे हैं और जब इंडिया में ये रूल आया कि थर्टी थ्री परसेंट रिजर्वेशन होना चाहिए आप देखिए पिछले 20-25 साल में कितने मिलियन की औरतें आ गई वहां पर और कुछ राज्यों में तो वी हैव नाउ 50 परसेंट रिजर्वेशन यस ऑल ऑफ देम नॉट बी द बेस्ट बट वर ऑल द मेन ग्रेट पंचायत लीडर्स वर दे नॉट करप्ट अगर मर्दों ने 60 साल से काम किया होता तो हालत बदली हुई होती तो औरतों को टाइम लगेगा लीडरशिप में आने में बट मैं जानती हूं और मैं मानती हूं कि 30 से 40 परसेंट औरतों ने चुन के आने के बाद बहुत अच्छा काम किया है तो मैं ये मानकर चलती हूं कि बहुत बदलाव आया है मगर जो फोर्सेस हैं हमें पीछे धक्का देने वाली वो भी बहुत ताकतवर है जैसे कैपिटलिस्ट पेट्रिया की ऑल mainstream media मीडिया to टू रिपीट norms. नॉर्म्स टी वगैरह पर आज भी जो चीजें चलती हैं सास भी कभी बहू थी वगैरह वगैरह फिल्मों में आज भी जो मर्दानगी दिखाई जाती है वो हमारे खिलाफ चल रहा है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री आज हमें डिफाइन कर रही है कि तुम तो तभी सुंदर हो जब तक तुम अपने आप को ऐसे लिपोगी पोतोगी तभी तुम सुंदर हो वो मुझे बता रही है कि मुझे कैसा होना है बच्चों के खिलौने उनको बता रहे हैं कि लड़कों को बंदूक देनी है जेंडरिंग जितनी मेरे मैं जब बच्ची थी जितनी जेंडरिंग होती थी उससे कहीं ज्यादा जेंडरिंग आज हो रही है सो इट्स नॉट ओनली द दुमेन्स मूवमेंट विच इज ट्राइंग टू पुश अस इट इज नॉट ओनली द गवर्नमेंट लॉज एंड पॉलिसीज विच आर ट्राइंग टू पुश विमेन अप देर आर अदर फोर्सेज विच आर पुशिंग अस डाउन तो सिर्फ इम्प्रूव करने वाले लोग एक्ट नहीं कर रहे बैकलैश करने वाले भी एंड बैकलैशर्स आर मच मोर पावरफुलट हाईलाइट लॉट ऑफ थिंग्स एट आर सो इनग्रेंट एंड वी डोट इवन रियलाइज कम्पलीट इवन द कलर दैट एसोसिएटेड विद जेंडर कंप्लीटली हमारे टाइम पे तो कोई था ही नहीं पिंक एंड ब्लू ये तो अभी आया पिंक एंड ब्लू राइट so as you know, that india donates also works with a lot of ngos at the grassroots level. and uh, what do you think should be the approach of these ngos who are working at a very remote corners and at grassroots level? should they view women's right as a movement or rather take an intersectional approach across the larger thematic areas that they work in? no, no, this is not either or. we have to do both. up to, may be ngo may come, up इसमें काम करते हैं इंडिया डोनेट्स में मैं दिन में मैं साल में 300 दिन 320 दिन अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हूँ गहरा जाने के लिए मगर 40-50 दिन साल में मैं इंटरनेशनल वेमेंस डे भी मनाती हूँ मैं वन बिलियन राइजिंग कैंपेन में भी जाती हूँ क्योंकि जब हम अपने छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है उसमें वो ताकत आ ही नहीं सकती इंटरनेशनल वेमेंस डे के दिन मैं लाखों ऑर्गेनाइजेशंस का हिस्सा बन जाती हूं जब मैं अपने एन में काम करती हूं मैं एक बूंद के जैसे हूं जरा सा प्रेशर कहीं से आएगा वो बूंद गायब हो जाएगी लेकिन जब मैं मूवमेंट का हिस्सा बन जाती हूं मैं समंदर बन जाती हूं अगर मुझे कोई छुएगा तो देश में मेरे साथी बोलेंगे ये गलत हो रहा है तो दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं हमें ज़मीन के लेवल पर भी काम करना है और बीच बीच में हर मौके पर इंटरनेशनल वमेंस डे मनाना है ह्यूमन राइट्स डे मनाना है गर्ल चाइल्ड डे मनाना है तो ये तमाम दिन मनाने हैं और दूसरी बात ये है कि मैं तो ये मानती हूँ कि ज़्यादातर एन हमेशा से इंटरसेक्शनल काम कर रहे हैं right. वो सबसे पहले तो हम गरीबों के साथ ही काम करते हैं वो इंटरसेक्शनल है क्लास एंड जेंडर फिर बहुत सारे एनजीओ दलित्स के साथ स्पेशली काम करते हैं वो आ गया कास्ट क्लास तो इंटरसेक्शनल तो हम जमाने से हैं खासतौर से सो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज मगर हमें ध्यान रखना पड़ा कि अगर विमेंस मूवमेंट में हम सिर्फ सो कॉल्ड अपर कास्ट औरतें हैं तो हमने दलित पर ज्यादा बात नहीं की थी मगर 20-25 साल पहले दलित महिलाओं ने हमें कहा कि आप क्या कर रहे हैं आप तो सिर्फ सो कॉल्ड अपर कास्ट औरतों की बातें कर रहे हैं हमको बदलना पड़ा मुसलमान औरतों ने कहा कि भाई आपके मूवमेंट में मुसलमान औरतें कहाँ हैं क्रिश्चियंस ने कहा कि आपके में क्रिश्चियन औरतें कहाँ हैं हमको बदलना पड़ा तो इंटरसेक्शनल होना ही पड़ेगा मूवमेंट्स के साथ जुड़ना ही पड़ेगा अगर बड़े बदलाव चाहते हैं मेरे लिए एनजीओस समाज को बदलने की मशीनें हैं और मशीन जितनी ज़्यादा मशीनों से कनेक्टेड होगी तो मुझे लगता है कि कैंपेन्स मूवमेंट्स ये तमाम ज़रूरी हैं और हमारे काम का हिस्सा हैं एंड बहुत सारे एन के लिए कि ये है ऑलरेडी सब एनजीओज आज इंटरनेशनल वीमेंस डे मनाते हैं तो देन यू बिकम पार्ट ऑफ द ग्लोबल मूवमेंट हम 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म मनाते हैं विच इज ए ग्लोबल कैंपेन आज 200 देशों में वन बिलियन राइजिंग हम लोग मनाते हैं जो मैं साउथ एशिया में कोऑर्डिनेट करती हूँ वी आर पार्ट ऑफ दैट इंटरनेशनल वीमेन्स डे मनाते हैं एंड इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे मनाते हैं बाबा साहब अंबेडकर को मनाते हैं फूले दंपत्ति को मनाते हैं तो आई थिंक इवन एन जी ओस दे रिलेट टू दीज मूवमेंट्स एंड वही एन जी ओज तो फिर शक्ति देते हैं मूवमेंट्स को तो इंटरसेक्शनैलिटी भी जरूरी है मूवमेंट से जुड़ना भी जरूरी है और रोजाना जो काम करते हैं वो भी जरूरी है I think uh, as we wrap up, there are two things that I can take away for myself, as well as also people who are listening to us, is probably evolving yourself as you move forward, and also keeping that fire lighted within you. So, one thing I to say is that I'm, on 8 March, all our, full -time, full -time, our four mothers and forefathers, I salute them. अगर उन्होंने मेरे लिए काम नहीं किया होता सैकड़ों सालों से तो आज ये दो औरतें यहां बैठ कर बात नहीं कर पाती मैं उनको सलाम करती हूँ और दूसरा मैं उनसे वादा करती हूँ कि जैसे उन्होंने मेरे लिए रास्ते आसान बनाए मैं भी कोशिश करूँगी आने वाली पीढ़ियों के लिए आसान बनाओ और दूसरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ कि मेरे लिए विमेंस डे विमेन को आगे लाने का दिन है पर यह सिर्फ वेमेन्स डे नहीं होना चाहिए यह सोसाइटी का डे है यह मेन वुमेन गर्ल्स एंड बॉयज का डे है जब तक मेन एंड बॉयज इसको अपना दिन नहीं समझेंगे तब तक बराबरी नहीं आएगी और जिस दिन बराबरी आ गई उस दिन हमको विमेंस डे मनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी Absolutely. हम उनके दिन मनाते हैं जिनको पीछे धकेला गया है वर्कर्स डे मनाते हैं हम कैपिटलिस्ट का डे नहीं मनाते वुमेंस डे मनाते हैं मेंस का डे नहीं मनाते क्योंकि उनका तो तीन दिन उनका है तो हम ये चाहते हैं कि हमारे भी तीन दिन हो और ये स्पेशल डे हमें न मनाना पड़े मगर ये तभी होगा जब ये वुमेंस डे की जगह सबका दिन बनेगा कि हम सब इस समाज में चाहते हैं कि औरत और मर्द बराबर हों ताकि परिवार जल्दी से आगे बढ़े और समाज जल्दी से आगे बढ़े राइट थैंक यू सो मच मैम थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम आउट बट बिफोर वी अप आई वुड रियली लव टू लिसन टू वन ऑफ योर पोएम्स हाँ तो देखिए पिछले 300-400 सालों में जो विमेंस मूवमेंट ने हमारे लिए किया है उससे फर्क भी बहुत पड़ा है बहुत फर्क पड़ा है तो मैं उसी के लिए एक कविता कह रही हूं कि लड़कियां बदल रही हैं मेरे देश में भी बदल रही हैं पड़ोसी देशों में भी बदल रही हैं हवाओं से बन रही हैं लड़कियां उन्हें बेखौफ चलने में मजा आता है उन्हें मंजूर नहीं बेवजह रोका जाना परिंदों सी बन रही हैं लड़कियां उन्हें उड़ने में मजा आता है उन्हें मंजूर नहीं उनके परों का काटा जाना और फूलों सी बन रही हैं लड़कियां उन्हें महकने में मजा आता है उन्हें मंजूर नहीं पैरों तले कुचला जाना और पहाड़ों सी बन रही हैं लड़कियां उन्हें सर उठा जीने में मजा आता है उन्हें मंजूर नहीं सर को झुकाकर जीना और सूरज से बन रही हैं लड़कियां उन्हें चमकने में मज़ा आता है उन्हें मंजूर नहीं हरदम बादलों से ढका होना तो मैं चाहती हूँ कि हर लड़की हर लड़का अपना पोटेंशियल अचीव करे चमके और हर परिवार हर देश आगे बढ़े और हमारे संविधान हमारे दिलों में बसें और हम उनको प्रैक्टिस करें Thank you very much. Thank you so much. <laughs> Thank you. Happy Women's Day to one and all. I hope you all liked our video. Stay tuned for more. Thank you.